बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार गायक पप्पी लहरी जी का अचानक निधन हो गया और उनके निधन के बाद पूरे देश को लगा काफ़ी बड़ा झटका। बपिदा के निधन के बाद अब उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने उनके अंतिम दिनों के बारे में बातें शेयर की और बताया कि वो ठीक होने के बाद क्या करना चाहते थे। संगीतकार गायक बपिदा को भारत में डिस्को पॉप शुरू किया था और उन्हें डिस्को किंग भी कहा जाता था। बप्पी लहरी का इलाज करने वाले डॉक्टर दीपक नामजोशी ने बताया है कि बॉलीवुड गायक उनके लिए गीत गाया करते थे, यहाँ तक कि उनका इलाज खत्म होने के बाद उनका फेवरेट गाना गाने का वादा भी किया था। इंटरव्यू में डॉक्टर दीपक नामजोशी ने कहा कि बप्पीदा मेरे लिए गीत गाते थे और मुझे कई कहानियाँ सुनाते थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए आपकी खातिर फिल्म का मेरा पसंदीदा गाना मुंबई से आया मेरा दोस्त गाना सुनाएंगे जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वो उन दिनों स्पीच थेरेपी हो रही थी, इसीलिए वो ये गाना नहीं गा पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि बप्पीदा को लंबे समय से हेल्थ इश्यूज थे। अप्रैल 2021 में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब जो हुआ उसे पोस्ट कोविड नहीं कहा जा सकता। जहां पर खुद उनके इलाज कर रहे डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि बप्पीदा उनके लिए गीत गाना चाहते थे, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। यहाँ पर उन्होंने वादा किया था डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था उससे कि जैसे ही बप्पीदा ठीक हो जाएंगे वो वैसे ही उनके लिए गीत गाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि उन दिनों उनकी आवाज़ सही नहीं थी क्योंकि उस दौरान ट्रीटमेंट के बाद उनकी स्पीच थेरेपी चल रही थी, जिस वजह से वो गीत नहीं गा पा रहे थे। और इसीलिए बप्पीदा ने अपने निधन से पहले डॉक्टर के साथ ये वादा किया था कि वो जैसे ही ठीक होंगे सबसे पहले उस डॉक्टर के लिए गीत गाएंगे। लेकिन यहाँ पर बप्पीदा ने डॉक्टर के साथ वादा तो किया लेकिन इस वादे को पूरा नहीं कर पाए, जिसका खुलासा डॉक्टर ने बप्पीदा के निधन के बाद किया। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।